के ब्लॉग में आपका वेलकम है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, उसकी वजह आप लोग जानते ही होंगे कि आज मेरा 1K पूरा हो गया। आई एम सो हैप्पी। सबसे बड़ी खुशी की बात है भाई, एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही खुशी की बात है उसका 1K, यानी कि वो पहली सीढ़ी पे चढ़ जाए, पार कर ले, तो आई एम सो हैप्पी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच माई YT फैमिली एंड माई फैमिली मेम्बर्स एंड जो भी मेरी वीडियो को वॉच करता है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, जिसने नहीं सपोर्ट किया उसको भी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मतलब एक खुशी, अजीब सी खुशी होती है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो बहुत लोग बोलते हैं जैसे ही चैनल स्टार्ट करो, भाई इतनी जल्दी सब्सक्राइबर नहीं पूरा होगा, बहुत साल लग जाएगा, तो ये चीज़ तो भाई हम एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत नहीं होना हो जाता है। ये इस टॉपिक पर मैंने बता भी दिया कि भाई कंटेंट अच्छा होगा, वायरल वीडियो होगी, तो एक दिन क्या, एक 5 मिनट में भी वीडियो पे 1,000 क्या 10,000 व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर बन जाएंगे। बट क्या है, कोई बात नहीं भाई, मेहनत करते रहना, जिसको सक्सेस होना है तो पेशेंस ज़रूरी है, तो हमने पेशेंस रखा, हमको रिजल्ट देखने को मिला, तो आप लोग भी प्लीज़ पेशेंस रखिए, आप लोगों को भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, ये सब बातें हम बहुत सी वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों आज हम छोटी सी थोड़ा सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे घर पर, तो आप लोग मोनो करवा दोगे तब करूँगी। तो आज हम चल रहे हैं एक पार्टी करने, तो 1K भी हो गया, दीदी लोग भी आ गई हैं, तो थोड़ा सोच रहे थे जहाँ पे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने जा रहे थे, जो मैंने प्लान किया था, मेरा मूड ख़राब होने की वजह से उस जगह पे हमने अपना सेलिब्रेशन नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी 1K की पार्टी वहीं पे सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैं वहाँ बहुत दिनों से जाने के लिए बोल रही थी, काफ़ी अच्छा है, वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर शूट करने के लिए बोल रही थी, बट कोई माहौल, मतलब मौका नहीं मिला मुझे उस तरह का, कोई सेलिब्रेशन वाला वो नहीं था। तो मैं सोची थी आज चलो चलते हैं, आज वो वीडियो वहाँ पर शूट करते, वीडियो का वीडियो भी बन जाएगा, सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, कुछ यूनिक देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मौसम आज बहुत गजब का मौसम है, 2-3 दिन से हमारे यहाँ मौसम ठंडा गर्म हो रहा है, और शायद ये वीडियो एडिट करने में, मतलब जैसा कि दीदी लोग आई हैं आप लोगों को पता ही है, ये वीडियो मुझे एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, शायद मेरा 1K से ज़्यादा भी हो जाए। तो दोस्तों ये माइंड मत करना, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो एडिट करके पोस्ट कर दूंगी। तो आप लोग बस मेरी खुशी आपको दिखाना है, बस मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। दोस्तों चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, 2K करवा दो तो अच्छी सी पार्टी घर पे भी होगी, और मोनो करवा दोगे तो कोई बात ही नहीं है, जल्दी से मेरी वीडियो फुल वॉच कर लेना बस। तो दोस्तों मेरा, आप जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा 1K पूरा हो गया है, तो आज हम लोग जा रहे हैं सब लोग पार्टी करने। उधर भाभी और दीदी हैं, इधर इशिता पलक, पायल, और ये प्रिंस छुप रहा है, इधर है प्रिंस। तो हम सभी जा रहे हैं पार्टी करने, ये बोली मेरी वीडियो बनाओ। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जैसा कि आपको पता होगा इस टाइम पे सभी जगह बारिश हो रही है। तो पलक कुछ बोलना है? नहीं। प्रिंस तुमको कुछ बोलना है? नहीं। अभी तो कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोलना। दोस्तों आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अच्छा दिन चूज़ किए हैं हम, क्योंकि इन दोनों को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अभी हम लोग चल रहे हैं मस्ती करने, और आप मिलते हैं हम थोड़ी देर में। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं हमने भाई म्यूज़िक को ऑफ करवा दिया है, बंद करवा दिया है, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए मेरे वीडियोस में। तो आप देख सकते हैं द जेल पिज़्ज़ा कैफ़े, जी हाँ हम यहीं आने की बात कर रहे थे, बहुत बेसब्री से हमें यहाँ आने का वेट था, हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मुझे मिल जाए
ज़्यादा लोग, तो मैं यहाँ पे आके वीडियो शूट कर लूँ। और आज वो मौका मिल गया, आप लोगों की वजह से ये मौका मिला है। आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट की वजह से मुझे मिला है। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। और हमने भाई ऑर्डर कर दिया है पिज़्ज़ा बनने गया है और काफ़ी महंगा है, क्योंकि देखते हैं साइज़ क्या होता है। 240 का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और आप देख सकते हैं सारे लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ मैं। देखो तीन ये जेल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये खासियत यहाँ की है, इसमें जेल बना है, जेल टाइप का पूरा बना है। इसी के अंदर पूरा बेंच वेंच रखा, अभी कुछ लोग अंदर हैं तो अभी मैं जाके दिखाऊंगी नहीं। और आप देख सकते हैं मेनू इस प्रकार से है मेनू दोस्तों। तो ये रहा, इधर वेज है, इधर नॉन वेज है। दीदी को जैसे ही पता चला कि यहाँ पे नॉन वेज भी बनता है तो वो बोली मैं तो खाऊंगी नहीं। मैं क्या, कोई नहीं खाएगा, हमारे यहाँ नहीं खाते हम लोग, तो बस बच्चे खाएँगे पिज़्ज़ा। और अब हम आ गए हैं अंदर, और अंदर का व्यू देखिए कि कुछ इस प्रकार से बहुत ही, मतलब ये जो वॉलपेपर लगा है ना, आप अंदर यहाँ पे मैं रियल देख रही हूँ तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वॉलपेपर है। इन दोनों को देखो ये देखो पलक को भाई चोर बना दिया, अब इशिता बन रही है पुलिस। और उधर देखिए पूरा कपड़ा है, पूरा रखा है जेल वाला, पूरा इसमें ड्रेस आपको मिलेगा। आप लोग फ़ोटो वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन काफ़ी भाई गंदा है, मतलब गंदा हो गया पहने पहने, धुलाई उलाई पहले की तरह केयर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा दिन हुआ नहीं है खुले, शायद एक साल से कम ही हो रहा होगा, इतना आइडिया नहीं मुझे, भूल गई मैं। और ये देखो ये बेल्ट रखी है, उधर है ये कैप, इसी तरह छू रही है, छी गंदा है छू मत। तो ये देखो जेलर कैदी का कपड़ा है, पैसा है। और हम लोग भाई जब तक पिज़्ज़ा बन रहा था, हमने वीडियो शूट करने के बाद देखो हमने फ़ोटो क्लिक की है, आप लोग बताना कैसी है फ़ोटोज़। और ये देखो भाई पलक को मैंने चोर बना दिया है, और हमने अपने लगा लिए सर पे कैप, और भाभी है यहाँ इसी तरह पलक पायल प्रिंस और मैं। और ये देखो इन लोगों को, ये लोग पूरा पिज़्ज़ा को पूरा डेकोरेट कर रहे हैं, उसमें चीज़ डाल रहे, सॉरी चीज़ नहीं, मिर्च डाल रहे हैं, जो जो उनको डालना है वो डाल रहे हैं। और जिसको जिसको खाना हो भाई आ जाए, वो फिर मत बोलना कि आरती ने पार्टी नहीं दी है और दिखाया नहीं कि आरती ने सेलिब्रेशन नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं ये इतना छोटू सा पिज़्ज़ा है, 240 का दिया और एक बोतल पानी 20 का, तो बताओ कितना हुआ। सारे लोग कलेक्ट करके बताओ पैसा कितना हुआ, 240 प्लस 20। और ये देखो पूरा वो है, और दीदी भाई मुँह बनाए जा रही है, बोल रही हैं कि मैं तो भाई खाऊंगी नहीं, जल्दी से यहाँ से चलो। तो भाई अपना अपना पसंद होता है, हमारे यहाँ कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, मीट मछली कोई भी नहीं खाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये कैफ़े कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये मेरा सेलिब्रेशन छोटा सा कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइएगा। और जो भी वीडियो में आपको अच्छा लगे वो छोटा सा आप लिख के बताना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नाइस वीडियो मत लिखना प्लीज़, नाइस वीडियो तो है ही है, और इसमें थोड़ा सा जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और देख सकते हैं आप दीदी तो खा ही नहीं रही है, बस भाभी को दे दी है और वो मेरा एक पीस रखा है, मैं भी खा लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, और ये लोग अभी देखो बाहर खा रहे हैं पिज़्ज़ा और हम अंदर हैं। तो फ्रेंड्स दीदी कुछ खाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों है, तो बोली हम तो नहीं खाएंगे, बस ओनली हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और इसमें पहले यहाँ पे चाउमिन वाउमिन बहुत कुछ मिलता था, बट अभी क्या है, सिर्फ पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, बस और कुछ नहीं है। तो दीदी कुछ नहीं खाई, बस हमने एक यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, बस उसी को सब वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। और हम यहाँ पे अंदर बैठे हैं, पार्टी करके आ गए हैं। पार्टी करने गए थे, बट वहाँ पे पहले बहुत सी चीज़ें खाने को मिलती थी, इस टाइम पे कुछ नहीं है, बस पिज़्ज़ा है, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, बस। और क्या था प्रिंस? वो मछली फ्राई। तो दोस्तों पिज़्ज़ा खाए हैं, कौन सा पिज़्ज़ा था पलक, पिज़्ज़ा का नाम बताओ, कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे? स्पेशल जेल पिज़्ज़ा। हाँ स्पेशल जेल पिज़्ज़ा था, 240 का था, और वो भी तो छोटा था, इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा था। पलक बोल रही बुआ ये तो एकदम छोटू सा पिज़्ज़ा है, हमारा पेट पेटू नहीं भरा इनका। और इन्होंने फिश फ्राई भी खाई थी। क्या कुछ बोलना है, अभी क्या खाओगी? एक ही पीस खाया था, सबने एक एक खाया। इतना छोटू सा था, बोल रही एक ही पीस मिला मुझे। और इन्होंने चिकन बिरयानी भी खाई थी। हाँ सही। हाँ।
आज आज मुझे कोई छुएगा नहीं, आंटी गुलंटी मार लो भाई सब लोग। दोस्तों जैसा कि हम वहाँ पहुँचे, तो जैसा कि मुझे पता था पहले वहाँ पे बहुत सी चीज़ें खाने को मिलती थी, बट फिलहाल अभी बस वहाँ पे जो मैंने बताया वही मिल रहा है और पूरा प्लान चौपट हो गया है। तो अभी हम चल रहे हैं अपने पुल पे, पचासे खाएंगे और चाट खाएंगे, हाँ टिक्की खाएंगे, और ये भाग रहा है बार बार इधर उधर छुप जा रहा है, और बहुत सी चीज़ें खाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी और ये भी खाएंगी। हाँ और देखते हैं क्योंकि शाम हो रही है, बारिश का मौसम है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया भी आ रहा है अभी। हाँ आंधी तूफान आ रहा है तो बाहर कहीं नहीं जा सकते। ये वाली पार्टी तो छोटू सी पार्टी हो गई, अच्छी जल्दी वीडियो फुल वॉच करके मोनो करवा दो तो अच्छी वाली पार्टी करेंगे भाई। अब इतना ही 1K में बस इतना ही पार्टी हो पाई है, तो अब ज़्यादा पार्टी नहीं कर पाएंगे। मोनो में 50,000 घंटे चाहिए जो कि नामुमकिन है। 50,000 नहीं, बस 4,000 चाहिए मुझे। पूरी पलटन जा रही है बतासे खाने। अच्छा अच्छा हुआ कुछ हटा दे रहा। अच्छा हुआ वहाँ कुछ नहीं मिला, नहीं तो मेरा आज ये जो मेरा पर्स है ना छोटू सा पूरा फिनिश हो जाता। अच्छा हुआ वहाँ कुछ नहीं मिला। और भाभी और दीदी पीछे हैं, हम लोग इधर आगे हैं। हाँ इन्हें रिक्शे से जा रहा था, मैंने मना कर दिया, वरना रिक्शे से जा रही थी। ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है और देना भी नहीं चाहता, सारे लाइक लगा देना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और जिस हिसाब से सोचे थे उस हिसाब से हम पार्टी नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ हम आने के लिए सोच रहे थे, हमने कहा कुछ ज़्यादा लोग होंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।